तो हमने जीवन में वो घटना के बाद देखा गोलियों बमों का। आज भी कहीं बम पड़ा हो देश की आजादी की रक्षा हो, कहीं या बम पड़ा कूदूंगा नाचूंगा उसके ऊपर चले। पर भैया मैं राजनीति का तंत्र से नहीं लड़ सकता, ये मैं जरूर आपको बता दूं। तो हमें ये सुरक्षा फोर्सेस के जवान, इनके परिवारों के लिए एक मूवमेंट खड़ी करें, इनको कभी मुश्किल ना आए। कितने जवान होंगे हिंदुस्तान के अंदर उनको पैरों पे खड़ा करने का मुश्किल काम नहीं। ये मेरे साथ सामने परिवार है पार्लियामेंट के, इनको पूछिए, इनको पार्लियामेंट के परिवारों को इनको पेट्रोल पंप हमने कैसे दिलवाए, कैसे कैसे इनके साथ में कहां कहां घूमा, फोन नहीं किया, कहां कहां रिश्वत देकर कई लोगों को पकड़ा और फिर जाके टीवी में आया, फिर इनको पेट्रोल पंप मिले। हमने हर चीज को जीवन में बड़ा कड़वा सच देखा। अगर हर सरकार पूरे अपने एरिए के अंदर अपने स्टेटों के अंदर इतनी बड़ी इंडस्ट्री इतने बड़े बिजनेसमैन है एक फंड खोल दे कि हर महीने हर साल ये बड़ी कंपनियां इसको शहीद परिवारों के लिए फंड जमा कराए। पहली बात तो हमारा कोई भाई बहन शहीद ना हो बम्बों और गोलियों से, हम लड़ाई बार बार जीते पर शहादत ना हो। अगर कोई शहादत हो जाती है पूरा ऐलान कर दिया जाए जो हमारा जवान भारत माता की सेवाओं की भारत माता की सुरक्षा और नक्सलाइटों से लड़ता लड़ता शहीद होगा, 1 करोड़ रुपया पड़ा है और उसके परिवार को उसी वक्त नौकरी होगी। अगर पूरे देश में हो जाए तो कौन सा मुश्किल काम है, कौन सा मुश्किल काम है। पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं करती, पॉलिटिकल पार्टियां शहीद परिवार के घरों में क्यों नहीं जाती, इनकी पीड़ा को इनके वर्कर क्यों नहीं पूछते। नहीं, हमें सता कुर्ती चाहिए, हमारा काम धंधा नहीं, ऐसे चलेगा देश। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में लाखों की रैली होती है, अगर लाखों की रैली में वो नारे लगे भारत मां के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख सिपाही भारत एक धर्म एक वंदे मातरम, तो कैसे हमारा भारत मजबूत नहीं होगा। पर वहां तो हमारे बनाना जिंदाबाद बनाना जिंदाबाद बड़ा दुख आता है। बड़ी बड़ी जगह पे जाते हैं, पूना जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, यूपी जाते हैं, कहीं जाते हैं, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर बाद में दर्शन करेंगे, पहले इन नेताओं के दर्शन करो, नमस्कार जी, फिर अंदर दर्शन होंगे क्या ऐसे चलेगा देश। हमने वो वक्त देखा है बचपन का जब घरों से निकला करते थे, हर चौराहे पे हर चौक में सरकार की तरफ से पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से वो नारे लिखा करते थे भारत एक धर्म एक राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम अपने कर्तव्य को पूरा करें, हर चीज सुरक्षा फोर्सेस करेगी, पुलिस करेगी, सीआरपी करेगी, फौज करेगी। और हमारी पॉलिटिशियनों की जिम्मेदारी क्या है, क्या हमने कभी महसूस किया, हमने कभी महसूस नहीं किया। अब तेरे टाइम पे 26/11 हुआ, तेरे टाइम पे वो हुआ, उसके टाइम पे वो हुआ, अरे लड़ने वाली तो सुरक्षा फोर्सेस थी, वो हमारे गुलाम नहीं थे। उनके उन्होंने मौत का कफन बांध करके गोली का जवाब गोली दिया था, ना मैंने किया ना मेरी तेरी पार्टी ने किया, वो तो सुरक्षा फोर्सेज ने किया। और जब के जवान जो शहीद हुए जब अपने घर से निकले होंगे अपने बच्चों को अपनी माँ को अपनी पत्नी को जब देखते होंगे उनके मन में जरूर होगा कि मौत का कफन पहन के जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा मुझे मालूम नहीं। पर वो अपने बच्चों को पत्नी को नहीं बताता, ये बात दिल में रखता है, घर से निकलता है, कोई सेवाओं की रक्षा करते हुए सर कटवा लेता है, गोलियां खा लेता है, भारत माता की सेवाओं की रक्षा करता हुआ को पार्लियामेंट के संविधान की रक्षा करता हुआ पार्लियामेंट की सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की रक्षा करता हुआ अपने सीने पे गोलियां खा लेता है और आता क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे की बॉडी लहू लहान उसके आ जाती है। ये वो जवान है जो मौत का कफन बांध करके निकलता है, क्या हम कभी निकले, क्या हमने कभी जिम्मेदारी उठाई, नहीं। मैं रोज देखता हूं, मैं क्या देखता हूं, मैं कभी इतने बम्बू बम गोलियां चले मेरे साथ 60-65 लोग शहीद हो गए, अभी तक कई बिस्तरों में पड़े होंगे, चल नहीं सकते होंगे। हम कई बार भगवान को कहते हैं भगवान हम भी उनके साथ चले जाते हमें क्यों जिंदा रखा, पर जिंदगी का यह तमाशा देखना था इस बोनस की जिंदगी के अंदर कि जीवन क्या है।
शहादत क्या है, हमने देखना था, देख के बंद कमरों में हम रोते। वो बोलने से मैंने एक इंटरव्यू दी थी 16 साल पहले, पॉलिटिकल टेररिज्म मेरा नारा दिया हुआ। मैंने इंटरव्यू दी थी 6 सोमवार को, उसने मुझे एक सवाल पूछा, आपके ऊपर इतने बम चले, गोलियां चली, आप बच गए, आपको मौत से डर नहीं लगता? मैंने शेखर सुमन साहब को कहा, मौत तो मेरी दोस्त है, बम गोलियां तो मुझे फूलों की तरह लगते हैं, शरीर का आधे हिस्से में लोहा है तो मुझे दर्द नहीं होती, क्योंकि ये मेरी भारत मां की आजादी की रक्षा की लड़ाई है, ये मेरी दोस्त है मौत। और जब बम गोलियों से मेरी मौत होगी, मेरे बच्चे कहेंगे हमारा पिता इनकी तरह जैसे कहते हैं शहीद हुआ पार्लियामेंट के अंदर, शर्मा साहब का परिवार, हमारा बच्चा शहीद हुआ, मुझे भी मेरे बच्चे कहेंगे हमारा पिता भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। हाँ मैं डरता हूँ पिता, अगर मौत से नहीं डरते, बम्बों गोलियों से नहीं डरते, तुम्हें किस चीज से डर लगता है? मैं राजनीति की गिरावट और राजनीतिक आतंकवाद से बड़ा डरता हूँ। इनका नट पेट जब घूमता है उसकी आवाज उसका असर ऐसा निकल सकता है जो किसी को बता नहीं सकता, इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म। हमने बहुत देखा है, कभी सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ कर दो, अगर अफसर को फांसी नहीं होती है और ये 10 परिवार इनका, एक मेरा, मैं इनका मेंबर, हम जाके पार्लियामेंट के अंदर अब्दुल कलाम जी को कहते हैं मेडल ले लीजिए, फांसी हो जाए अब्दुल कलाम साहब हमें दे देना, नहीं हो जाए तो नेशनल म्यूजियम में रख देना, ताकि आने वाली जनरेशन देखे जिन पुलिस के बहादुर जवानों ने ना उस बहादुर सीआरपी की बेटी ने भारत के संविधान की रक्षा करते हुए सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की बचाते हुए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, उनकी शहादत का कितना बड़ा अपमान हुआ, फांसी नहीं होती, धमकियां मिलती हमें, ये नहीं, अरे सुरक्षा हटा लेंगे, अफजल के लिए मत खड़े होना परिवार के ऊपर, हटा लेंगे। मैं कह एक बार नहीं 10-10 बार हटाओ, हम तो मर चुके, हम तो बोनस में, हम तो मरना चाहते, पर भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब जब भी मौत आए बम्बों गोलियों से अकेले आए, मेरे साथ किसी का जीवन पहले की तरह ना जाए, ये जरूर भगवान से प्रेम करता है।